हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आपको पता है हमारे देश में एक लीडर है जो कि हमेशा ये कहते हैं कि वो सही है, बाकी सब पार्टीज गलत हैं। सेम ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक लीडर ऐसे हैं जो कि हमेशा अपने आप को सही साबित करने पे लगे होते हैं और दूसरे को गलत साबित करने पे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उनकी एक बहुत बढ़िया वीडियो। एक बार जरा चल के हम सुनते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। हाय लीडर्स, सभी ऑल, कैसे हैं आप सब। और एक लंबे समय के बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि जब से हम लोगों ने प्लान को अपडेट किया है तब से एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये थी कि जितने हम होपफुल थे कि ये प्लान बहुत कमाल का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देगा, जितने हम होपफुल थे कि इस नए प्लान से आउटपुट जो आने वाला है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपग्रेडेशन होने वाली है वो बहुत कमाल की होने वाली है, उतना ही एक अंदर से लोगों के जहन में ये भी था कि ये प्लान जो अपग्रेड हुआ है, ये अपग्रेड हुआ है या चेंज हुआ है। लोगों को ये लगने लग गया था कि अगर चार लेग नहीं चलेंगी, तीन नहीं चलेंगी, तो जो पहले दो टीम में काम कर रहे हैं उनको फायदा होगा या नुकसान होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो तीसरी नहीं चलाएगा या चौथी नहीं चलाएगा उसके पे आउट पे कोई असर आ जाएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ऐसा हो कि हम जिस चीज को प्रमोट करने के आदि हैं वो उस तरीके से नहीं हो, बदल जाए, हजारों तरह की कंफ्यूजन हो सकती है। मार्केट भी कोशिश करता ही है, क्योंकि कंपटीटर्स का तो काम ही होता है कि कैसे ना कैसे करके कैसे स्थिति पैदा की जा सके कि जो लोगों में ट्रस्ट है, जो लोगों में फेथ है, जो लोगों में आगे बढ़ने का जज्बा है, जो लोगों में आगे चल के जीत हासिल करने का जज्बा है, बड़ी सेल करने का जज्बा है या बड़ी अचीवमेंट का जज्बा है, कैसे करके वो ढीला हो, कैसे करके वो टूटे, कैसे करके वो रिदम मोमेंटम जो आप लोग बनाते हो उस पे असर आए ताकि लोगों को उसका फायदा मिले। अब इसी दौर में पिछले 20-25 दिन से लगातार चल रहा था, ये होगा वो होगा, प्लान हो गया है, चार लेग का हो गया है, दो वालों के लिए ये बदल जाएगा, तीन वालों के लिए वो बदल जाएगा, एक्टिव बोनस वालों का पे आउट बढ़ा पहली चीज, 25-25 हजार बिजनेस वॉल्यूम करने वालों का पे आउट और बढ़ा, 5-5 हजार बीवी करने वालों का पे आउट बढ़ा, 7,500 बीवी करने वालों का पे आउट बढ़ा, 10-10 हजार बीवी करने वालों का पे आउट भी पहले से बढ़ा, जो लोग कार्फन ले रहे थे, जो लोग अपना एक्टिव बोनस ले रहे थे उनका पे आउट अच्छा आया। कैसा लगा मेरा मजाक? और सबसे बड़ी चीज, 25-25 हजार बीवी में जो पहले पे आउट आ रहा था अब लगभग उससे दो गुने के करीब ज्यादा पे आउट आया, इनफैक्ट दो गुना से भी ज्यादा पे आउट आया। तो एक बड़ी जो अचीवमेंट रही वो ये रही कि 25-25 हजार बिजनेस वॉल्यूम पे जहां पहले जो पे आउट आता था पुराने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जैसे ही नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया तो उनका पे आउट भी दो गुने के करीब बढ़ा। और पे आउट जब डबल होता है, पे आउट जब दो गुना बढ़ता है तो उसका असर तो मार्केट में देखने को मिलता है। उसके बाद 50-50 हजार बीवी फ्लैगशिप को छोड़ देते हैं, सुपर फ्लैगशिप को छोड़ देते हैं, मेगा फ्लैगशिप को छोड़ देते हैं। जो सबसे कमाल की चीज हुई वो कमाल की चीज क्या थी कि हाउस फंड पे जो पे आउट आ रहा था वो हाउस फंड वाले का पे आउट बढ़ गया, 1-1 लाख भी वाले का जो पे आउट आ रहा था उसका पे आउट बढ़ गया। और ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी अरे 25-25 हजार बीवी पे तो 7,000 आया, 7,500 आया, पहले क्या आता था, जब पहले क्या आता था, पहले आता था 3,000-3,200, और 3,000-3,200 से अगर वो 7,000 हो गया तो आपका इनकम हो गया दो गुना से ज्यादा। यानी कि इस बिजनेस प्लान ने पहले में जो बिजनेस प्लान में जो लोग काम करते थे उन सब की इनकम को बढ़ाने का काम किया। लोग कंफ्यूजन सब भी करेंगे लोग, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों ने थोड़ा सा भी काम तीसरी और चौथी टीम के साथ किया, वहां पे वो रिवोल्यूशन क्रिएट हुआ, वहां पे वो पे आउट क्रिएट हुए, वो पॉइंट वैल्यू आई कि वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए अगर 2,60,000 बीवी भी कोई कर रहा है तो वो इंसान का पे आउट जो बन रहा है वो पे आउट मार्केट में ये बताने के लिए काफी है कि क्यों हम बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्यों हमारी कंपनी सबसे बेहतरीन पे आउट देने वाली कंपनी में आती है। और
या और सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ एक लोग कहेंगे ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो अब कुछ भी नहीं हुआ हो सकता है, ये नहीं हुआ तो 25-25 हजार बीवी नहीं हुए तो 2500-2500 बीवी नहीं हुए तो 50,000-50,000-20,000-10,000 नहीं हुए तो 50,000-50,000-10,000 नहीं हुए तो 5,000-5,000-5,000-2501 नहीं हुए तो नहीं हुए तो हम कहीं पे भी उठा सकते हैं कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो। मुद्दा है लाइफ में नहीं हुआ से कोई चेंज नहीं आता, जो भी पॉजिटिव चेंज आता है अगर हमने कर दिया तो मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता, अगर हम इसे कर पाए तो, अगर ये हो गया तो। दो ही चीजें हैं हमेशा रहेंगी, किसी भी चीज के साथ रहेंगे, मैं खुश रह पाया तो, मैं खुश नहीं रहा तो, ये हो गया तो, वो नहीं हुआ तो, ये तो हमेशा रहेगा, दोनों ही पक्ष हमेशा रहेंगे, ये हो गया तो, वो नहीं हुआ तो, फ्ला हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, दोनों ही चीजें रह गई। आप दोनों ही चीजों में अंतर देखो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो भी यू आर बेस्ट जनरेशन प्लान, और हो गया तो आपके मुकाबले में ही कोई नहीं है। जीत किसी काम के नहीं होने से नहीं होती है, किसी काम के करने से होती है। और वो काम जब आसान हो, जब 60,000 बीवी 25,000-25,000 बीवी करके, साथ में 5,000 बीवी और 2501 बीवी करके, अगर 57,501 बीवी करने से एक बड़ी इनकम जनरेट हो सकती है तो मुझे लगता है वो लीडर्स करेंगे। मुझे लगता है 50,000-50,000 में जो पहले आ रहा था वही आए, 25-25 हजार में जो पहले आ नहीं रहा था उससे दो गुना आए, और तीसरी और चौथी चलाने से वो और बढ़ जाए, तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये बढ़िया था गुरु। और कमाल की बात मालूम है क्या है, जितनी भी कंफ्यूजन्स थी, जितनी भी बातें थी कि दो पे आएगा नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो कमाल की बातें ये थी कि इस बार जो कल 10 तारीख आई उसने वो सारी कंफ्यूजन्स खत्म कर दी। समझ रहे हो ना? लोगों को पता चल गया कि पहले जब वो एक्टिव बोनस बनाते थे तो क्या पे आउट आता था, और अब जब एक्टिव बोनस बना तो क्या पे आउट आया। जहां लोग कहते थे इस कंपनी में 200 रुपए का 300 रुपए का पे आउट आता है, वहां 500 रुपए से ऊपर एक्टिव बोनस पे आउट आया, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस और फ्लैगशिप ने कमाल किया। जहां लोग 25-25 हजार बीवी पे 3,000 का पे आउट लेते थे, वहां 7,500 का पे आउट आया, 7,000 का पे आउट आया, 7,300 रुपए का पे आउट आया, ये कमाल था। और किसी ने अगर साइड में सिर्फ 2501 बीवी किए होते तो उसका और पे आउट बढ़ गया होता, नहीं किया होता तो भी उसका पे आउट 25-25 हजार पे हो गया। अब कुछ लोग बात करेंगे 24-24 हजार रह गए तो, साहब अगर जीरो ही रह गया तो, आपकी कंपनी दावा करती है क्या जीरो ही रह गया तो कुछ देंगे? रहने को तो जीरो भी रह सकता है, रहने को तो 2500-2500 से नीचे भी रह सकता है, वहां पे भी परफॉर्मेंस बोनस आएगा। 2000 बीवी रह गया तो, 1000 बीवी रह गया तो, एक ही टीम में 1,00,000 बीवी आया दूसरी में 0 बीवी आया तो, ये हो गया तो, वो नहीं हुआ तो, ये तो हजारों बातें थी, हजारों बातें हैं, हजारों बातें रहेंगी। लोग ये बोलेंगे 24-24 हजार पे क्या होगा, 2500-2500 पे क्या होगा, 3000-3000 पे क्या होगा, 4000-4000 पे क्या होगा। पहले जब आदमी 4000-4000 बीवी करता था तो 4000-4000 बीवी करने वाले को मिलता क्या था, आज उसे 160 रुपए तो सिर्फ फ्लैगशिप का अलग आ जाएगा, 5000 और 2500 करते ही। एक तरफ 7000 हो गया, एक तरफ 4000 हो गया, पहले में क्या आता था अब क्या आएगा। हम ये नहीं बात करते कि क्या नहीं होगा, हम हमेशा ये बात करते हैं अगर ये हुआ तो क्या होगा। और यकीन मानना मेरे दोस्त, हमने जो भी अपडेशन किया है उस अपडेशन में नीचे से लेके ऊपर तक हर किसी का पे आउट बढ़ा है। आप सेम बिजनेस डालिए, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, जितनी भी बेहतरीन कंपनियां हैं, उन कंपनीज के साथ आप हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, आप हमारे प्रोडक्ट को, आप हमारे पे आउट को कंपेयर कीजिए। आने वाले समय में और अच्छी कंपनियां आएंगी। कुछ एक साथी हमारे कहीं पे गए हैं, उनके लिए भी मेरी विशेष है कि वो अच्छा काम करें, बेहतरीन काम करें, खुद को प्रूव करें, क्योंकि कभी भी जो बड़ा पे आउट बनेगा वो काम से ही बनेगा। आप जितना अच्छा काम करेंगे, आप जितना बढ़िया काम करेंगे, आप जितना बड़ा टर्नओवर करेंगे, आप जितने सही प्रैक्टिस अपनाएंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, कोई कुछ भी करे साहब, हमारी आइडियोलॉजी को तो कॉपी करना ही पड़ेगा, हमारी सोच को तो कॉपी करना ही पड़ेगा, अफोर्डेबल प्राइसिंग पे तो बात सभी को करनी पड़ेगी, चाहे कोई हमारे साथ थे नहीं थे, आगे बढ़ गए उनको भी,
उनको भी वही बातें करनी पड़ेंगी, उनको भी बात करनी पड़ेगी बिजनेस प्लान इजी होना चाहिए, उनको भी बात करनी पड़ेगी प्राइस क्या होना चाहिए, उनको भी बात करनी पड़ेगी। पर जो सबसे मुश्किल काम है जिस पे अगर आप खड़े उतरोगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, और मुझे खुशी होती है आप और ज़्यादा खुशी होगी जब आप सिद्धांतों के साथ भी खड़े उतरोगे, जब आप हेलीकॉप्टर एंट्री भी नहीं दोगे, जब आप किसी की टीम को इधर से उधर भी नहीं करोगे, तो और ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि हम भले ही अलग हो जाएं, लेकिन अगर हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है, चाहे मेरी चाहे आपकी या चाहे कोई छोड़ के गया है या आने वाला है कोई इंडस्ट्री में या कोई पुरानी इंडस्ट्री वाला है, जब जब वो अच्छी आइडियोलॉजी को अपनाएगा तब तब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और जितना ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी उतना इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को फायदा होगा। हर एक लीडर अच्छा होता है, मजबूरी हो सकती है, कंपनी नहीं समझ में आई हो सकती है, मैनेजमेंट के साथ बात नहीं बनी हो सकती है, आइडियोलॉजी नहीं मिली हो सकती है, उतने स्कोप पे नहीं पहुंच पाए हो जहां आप पहुंच सकते थे, आपको लगता हो कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपको अलग फैसला लेना पड़ सकता है। जीवन में अलग होने का फैसला लेना या अलग राह पे चुनना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। मैं हर जाने वाले लीडर से या आने वाले लीडर को हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि भैया, लाइफ में फैसले लेना आसान नहीं होता है और फैसलों को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप जो फैसला लेते हो उस फैसले को पूरा करो, उस पर खड़े उतरो, उसको प्रूफ करके दिखाओ, आगे बढ़ो, अचीव करके दिखाओ, ताकि लोगों का आपके प्रति, इस इंडस्ट्री के प्रति, आपकी कंपनी के प्रति, आपके कंपटीटर कंपनी के प्रति भरोसा ज़्यादा बढ़े। जितने ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे उतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री को लेके लोगों को भरोसा बढ़ेगा। वो अलग बात है, आप हमारे साथ कामयाब हो जाएं, आप हमारे से अलग कामयाब हो जाएं, आप कहीं पे भी कामयाब हो जाएं, पर मैं चाहता हूँ सब लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कामयाब हो जाएं, क्योंकि उनके कामयाब होने से ही इस इंडस्ट्री का फायदा है, उनके कामयाब होने से ही इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का फायदा है, और उनके कामयाब होने से ही कस्टमर बेस का फायदा है। क्योंकि साहब, मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट बदल देंगे, मार्केट बदल देंगे मतलब डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट बदल देंगे। जहाँ वॉकिंग कस्टमर नहीं आता वो आएगा, जहाँ आम ग्राहक डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट महंगा मान के नहीं खरीदता वो खरीदेगा। मार्केट उसे बदलना ही कहते हैं जब आप ट्रेडिशनल मार्केट के बायर को, उसके कस्टमर को एक डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे ले आए और वो आपका रेगुलर कंज्यूमर हो जाए, वो आपका परमानेंट कस्टमर हो जाए, वो आपके प्रोडक्ट को यूज करे, तारीफ करे और दोबारा खरीदने को तैयार हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट रीपर्चेज नहीं होते हैं, उनकी रीसेल नहीं होती है। अगर आप पहली सेल देखोगे तो हर कंपनी की बहुत अच्छी है, पर जब रीपर्चेज की बात आएगी, रीसेल की बात आएगी, वो ही कंपनी सरवाइव कर पाती है जिस कंपनी के पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल प्राइस पे है, बढ़िया क्वालिटी है, सिस्टम अच्छा है, लोगों को डिलीवर करती है, पैकिंग अच्छी है। ये जब आप करोगे तो इस इंडस्ट्री को आप ग्रोथ दोगे, इस इंडस्ट्री को आप बदलोगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री कभी भी कस्टमर फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं रही। अगर आपने इस इंडस्ट्री को कंज्यूमर फ्रेंडली बना दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने इस इंडस्ट्री को बदल दिया। ये इंडस्ट्री सिद्धांतों पे जितना चले उतना अच्छा है, जितनी हेलीकॉप्टर एंट्रियां होंगी उतना इस इंडस्ट्री के लिए बुरा है, जितना ये टीमें किसी की स्नैच होकर इधर से उधर होंगी उतना इसके लिए बुरा है, जितना ये कस्टमर फ्रेंडली नहीं बनाएगी उतना इस इंडस्ट्री के लिए बुरा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि हर साथी, चाहे वो हमारे साथ है, चाहे वो हमारे कंपटीशन में है, चाहे वो नया है, चाहे पुराना है, वो एक चीज का जरूर ध्यान रखे कि कंपनी प्रोडक्ट ऐसे बनाए जो दिखने में भी अच्छे हों, क्वालिटी में भी अच्छे हों, कस्टमर फ्रेंडली हों और उसे ले पाए। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जितना इजीली लोग आपको डुप्लीकेबल बिजनेस को, मतलब जितना लोग आपको कॉपी कर पाएंगे उतना इस बिजनेस में ग्रो करना आसान हो जाएगा। आप कहीं पे भी रहें पर इस इंडस्ट्री के लिए एक चीज का ध्यान रखें, हर वो सिस्टम जो ग्रोथ देता है अच्छा होता है, हर वो सिस्टम जो अफोर्डेबल प्राइस पे कस्टमर को कनेक्ट कर सकता है अच्छा होता है। और मैंने अभी अभी एक स्टेटमेंट जारी की है जो मैं पहले भी देता रहा हूं और उसको हमने हमेशा अचीव किया है, और अब अगली स्टेटमेंट क्या है, 90 दिन में एक ऐसा माहौल बना देंगे कि हर तरफ से आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा क्यों अचीवर्स बनते हैं। कल जो पे आउट आया उस पे आउट ने मुझे अपने आप में ये कहने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं ये बोल सकूं कि हम अगले 6 महीने में 500 से ज्यादा ऐसे अचीवर्स ले आएंगे जो 1,00,000 रुपए से ऊपर के पे आउट पे आए। क्योंकि पिछले ही महीने 23 ऐसे नए लोग 1,00,000 के से ऊपर के पे आउट पे गए हैं जो कभी हमारे सिस्टम में 1,00,000 के आसपास भी नहीं थे। यानी कि एक ही महीने में 23 लोगों का नया 1,00,000 से ऊपर चले जाना अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि नया बिजनेस प्लान, अपडेटेड बिजनेस प्लान क्यों ज्यादा लोगों को
सक्सेसफुल बनाएगा। मजा तभी आएगा, मैं हमेशा कहता हूं 2020 के बाद। अगर हम बात करें उस चीजों की जिन चीजों में हम हमेशा बात करते रहे हैं, पे आउट इनकम, ये आती है सेल से, सेल आती है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की क्वालिटी से, उसके प्राइस से, उसकी कनेक्टिविटी से, कितने आप एफर्ट डालते हो उस पे। और ये जैसे ही हमने किया तो एक अच्छी चीज ये हुई है कि आदमी 2-2.5 लाख बीवी करके, 2,60,000 बीवी करके आसानी से उस टारगेट की तरफ बढ़ रहा है जहां उसे अपना घर चलाना बिल्कुल आसान नजर आए। मैं हमेशा कहता हूं सर आप कंपेयर कीजिए जिसको करना है, 17,500 एक बीवी किसी भी कंपनी में डालिए और चेक कीजिए कहां अच्छा आता है। 2,500 बीवी डालिए, चेक कीजिए कहां अच्छा है। 5,000-2,500 बीवी डालिए, पता चलेगा कहां अच्छा आएगा। 5,000-5,000 बीवी डालिए, पता चलेगा कहां अच्छा आएगा। 5,000-5,000-5,000-2,500 एक बीवी डालिए, पता चलेगा कहां अच्छा आता है। 25,000-25,000-5,000-2,500 एक बीवी डालिए, पता चलेगा कहां अच्छा आता है। यानी सिर्फ 57,500 एक बीवी पे आप कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हमारा बिजनेस प्लान क्या है। 50,000-50,000-10,000 डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमारा बिजनेस प्लान क्या है। 50,000-50,000-20,000-10,000 डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमारा बिजनेस प्लान क्या है। और ये भी नहीं कर सकते तो 50,000-50,000-5,000-2,500 एक बीवी डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बिजनेस प्लान क्या है। 1,00,000-1,20,000-10,000 डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बिजनेस प्लान क्या है। 50,000-50,000 के बाद अगर आप 1,00,000-1,40,000-20,000 डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बिजनेस प्लान क्या है। सर बिजनेस प्लान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बिजनेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सेल जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये बिजनेस प्लान में अचीवर्स पैदा होंगे। और हमारे बिजनेस प्लान के कल के पे आउट ने ये बता दिया है कि क्यों हमारा अपडेटेड प्लान इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन प्लान है। और आज एक और चीज में बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, साहब अब बिजनेस प्लान बदलने का दौर चलेगा। अगले 6 महीने में हम इस बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल मॉडल बना देंगे। अगले 6 महीने में ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि इसमें अचीवर्स क्यों जल्दी निकलेंगे, इसमें पे आउट क्यों बड़े बनेंगे। और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। नई कंपनियां भी हो सकती हैं, पुरानी भी हो सकती हैं, बहुत पुरानी भी हो सकती हैं, आज खुलने वाली भी हो सकती हैं, कल खुलने वाली भी हो सकती हैं। मार्केट में जब पॉजिटिव चेंज आता है तो लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अब दो ही लोग होते हैं, एक उस चेंज को लाने वाले और दूसरे उसे फॉलो करने वाले। और 4.5 साल में साहब उस चेंज को लाने वाले लोगों में अगर किसी का सबसे ऊपर नाम है तो ओके लाइफ केयर के लीडर्स का है, ओके लाइफ केयर के अर्नर्स का है, ओके लाइफ केयर के अचीवर्स का है, ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट का है, वो हम सब का है। अब पिछले 4.5 साल में हमने हर चीज को लीड किया है, किसी को फॉलो नहीं किया है। तो अभी भी आप ये मान के चलिए जो आपने अपडेटेड चेंज किए हैं, जो आपने अपडेशंस किए हैं, वो इतने बढ़िया और इतने शानदार हैं कि उन चेंजेस को लोगों को कॉपी करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो फॉलो करते हैं तो इससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा। जैसे अगर आज कोई अफोर्डेबल प्राइसिंग को फॉलो करता है तो पूरी इंडस्ट्री को फायदा होता है। आज कोई अगर बगैर परचेज की कंडीशन लगाए बिना इनकम रिलीज करने की बात करता है कि आपको सेल्फ परचेज करने की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ पे आउट लेने के लिए, तो वो इंडस्ट्री का फायदा है। आज कोई सही पैकिंग अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ साथ में सही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे रहा है, उससे कंपनी का फायदा है। आज कोई एथिक्स को फॉलो कर रहा है, उससे पूरी इंडस्ट्री का फायदा है। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, वही काम करो जिससे पूरी इंडस्ट्री का फायदा होता हो। विरोध हमेशा होगा, अच्छे का और ज्यादा होगा, बहुत अच्छे का बहुत ज्यादा होगा। और आप अगर वो काम कर रहे हैं जो लोगों को हजम ही नहीं होता है, डाइजेस्ट ही नहीं होता है, और लोग बोले अरे ये बगैर ऐसा किए कैसे कर पा रहा है, ये अफोर्डेबल कैसे दे पा रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा कैसे है, अरे ये वो कंपनी कैसे है जो ये कहती है कि भैया हम आपको 1 लाख नहीं दे सकते, अरे ये कंपनी कैसे है जहां ऊपर एंट्रियां नहीं मिलती, अरे ये कंपनी ऐसे कैसे चला पा रहे हैं कि इसकी टीम उधर से उधर नहीं होने देते हैं। साहब यही तो एक खास बात है हमारी, हमने हर वो काम को किया है जो बिजनेस में करने के लिए पेशेंस चाहिए, जुनून चाहिए, इरादा चाहिए, इंतजार चाहिए। क्योंकि रातों रात अगर आपको कामयाब होना है तो ये सारे काम करके बहुत आसानी से हुआ जा सकता है, लेकिन 4.5 साल बाद भी अगर ये काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं, इसका मतलब हमने कभी शॉर्टकट वाला रास्ता चुना ही नहीं, इसका मतलब हमने आसान राह कभी चुनी नहीं, इसका मतलब हमने रातों रात कैसे कामयाब हुआ जा सकता है ये कभी सोचा ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं साहब एक लीडर दिन रात मेहनत करता है, हर ना वो तीज देखता है ना वो त्योहार देखता है,
ना वो दोस्तों की शादी देखता है, ना वो परिवार की शादी देखता है, ना वो घर पे समय पे पहुंचता है। वो हमेशा अपनी टीम को, अपनी सेल को, अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने में लगा रहता है। और जब वो अपनी टीम बिल्ड कर चुका होता है, अपनी सेल बिल्ड कर चुका होता है, जब उसकी बिजनेस से उसकी इनकम आना शुरू होती है, तब पता चलता है उसी कंपनी में किसी और लीडर ने उसकी टीम तोड़ ली, दाएं से बाएं हो गई। साहब एक बार सोचना उसके दिल पे क्या गुजरे, जिसने अपने घर को पूरा समय नहीं दिया उस बिजनेस को बिल्ड करने के, जिसने कोई त्योहार नहीं मनाया उस बिजनेस को बिल्ड करने के, जिसने रोज घर वालों से सुने तू कब घर समय पे आएगा, लेकिन उसने सेक्रीफाइस नहीं किया उस बिजनेस को बिल्ड करने के। अगर आपकी कंपनी इस दर्द को जानती है, क्यों जानती है, क्योंकि हमने वो बिजनेस किया हुआ है। और जब ऐसा किसी कंपनी में होता है तो कितने सपने टूटते हैं, कितना जनून बिखरता है, कितनी तकलीफें होती हैं, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसके साथ कभी ऐसा हुआ हो। एथिक्स पे चलो, अफोर्डेबल प्राइसिंग की बात करो, बगैर कंडीशंस के बिजनेस प्लान होना, सेल परचेज तक जरूरी नहीं होना, बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें हैं जो हमें अलग बनाती हैं। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं हर आने वाली कंपनी को और पुरानी कंपनी को, कि वो जितना बेहतर सिस्टम को अपनाएंगी उतना बेहतर वो कर पाएंगे। तो हर आदमी को एक ही चीज के साथ चलना चाहिए, और वो चीज क्या है, अपडेशन। जब तक आप अपडेटेड नहीं होगे आप बेहतर नहीं कर पाओगे। और हमने एक अपडेशन किया और मुझे उम्मीद है इस अपडेशन को बहुत सारे लोग आने वाले समय में कॉपी करने वाले हैं। और ये गौरव की बात नहीं है, ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। कभी भी कोई भी अच्छी शुरुआत कर सकता है, और अच्छी शुरुआत को फॉलो करना हमेशा ही इंडस्ट्री के लिए बेहतर होता है। हम सब मिलके इस मिशन को और आगे लेके जाएंगे, और अगले 6 महीने में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाएंगे जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। अगले 6 महीने अचीवर्स के नाम, हमने पहले भी कभी नहीं बोला हम क्या टर्नओवर करेंगे, हमने पहले भी कभी टर्नओवर के टारगेट्स नहीं लिए। हमने जब भी टारगेट लिया एक ही टारगेट लिया कि हमारे लीडर्स के पे आउट कैसे बढ़ेंगे, हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी, हमारा डायरेक्ट सेलर कैसे ग्रो करेगा, उसकी इनकम कैसे बढ़ेगी। और इसी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस बार स्वीट ब्लिस बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, और लोगों को ये बताने वाला है क्यों ओके लाइफ के अगले 6 महीने में इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी बनने जा रही है, क्यों यहाँ के लीडर सबसे बड़े अचीवर्स बनने की रेस में शामिल हो रहे हैं, क्यों यहाँ के एक नए नए डिस्ट्रीब्यूटर जो अच्छे से अपने काम को करते हैं, अपनी सेल को बिल्ड करते हैं, हमारे अफोर्डेबल प्राइसिंग के कारण, हमारी एथिकल पॉलिसीज के कारण, हमारी सपोर्ट सिस्टम के कारण, हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण, क्यों हमारे लोग अगले 6 महीने में सबसे ज्यादा अचीवर्स निकालने वाले हैं। हमारा मिशन है हम सबसे ज्यादा अचीवर्स निकालें, हमारा मिशन है हमारे साथ काम करने वाले डायरेक्ट सेलर्स पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, उनको ग्रोथ मिले, क्योंकि ग्रोथ इज लाइफ। जब जब ग्रोथ मिलती है तो आप बेहतर कर पाते हो। और मुझे यही लगता है कि हमारा मिशन एक ही है, अगले 3 महीने में हम वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देंगे जो आप लोगों को आने वाले रस्तों को और आसान बनाएगा, आपकी सेल को और आसान बनाएगा, आपके प्रोडक्ट को और अच्छे से बिल्ड कर पाएगा, आपके बिजनेस सिस्टम को और अच्छे से बिल्ड कर पाएगा। आइए मिलके लगते हैं स्वीट ब्लिस में, हम देखते हैं और क्या क्या होने वाला है जो मार्केट को एक नई दिशा देने वाला है। ये स्वीट ब्लिस मेरे लिए मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और शायद हर ओके लाइफ केयर में काम करने वाले लीडर के लिए उसका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। ये ड्रीम इवेंट, ये ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं एक ही चीज कहता हूं कि इसके बाद मार्केट में एक नया मोमेंटम और एक नया माहौल बनेगा, जिससे अचीवर्स की एक बड़ी लाइन शायद लग जाए। क्यों शायद क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमेशा चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आप उन्हें किस तरीके से करते हैं। हमारा पहला टारगेट है हमारे लीडर्स, हमारा पहला टारगेट है हमारे डायरेक्ट सेलर्स, वो कैसे ज़्यादा इनकम तक पहुंच सकते हैं। वो तभी ज़्यादा इनकम तक पहुंच सकते हैं जब आपकी सेल बढ़ेगी, और सेल तब बढ़ेगी जब आपके पास सिस्टम होगा, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, पैकेजिंग होगी, और उसके बाद सेफ्टी, सिक्योरिटी, और ये गारंटी होगी कि कोई आपके बने हुए बिजनेस को स्नैच ना कर ले, आपसे इधर से उधर ना ले जाए। और यही हमारी ताकत है, आइए मिलके बिल्ड करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है ये महीना बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला महीना होने वाला है। ये महीना बहुत बड़े बड़े पेआउट्स बनाने वाला महीना हो सकता है। अगले 3 महीने बहुत बड़ा रिदम और मोमेंटम क्रिएट करने वाले हैं, और अगले 6 महीने में हम वो कंपनी होंगे जिसमें 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स 1 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाएंगे। यही हमारा टारगेट है, और इसी मिशन पे हम लोग काम करेंगे। आइए मिलके एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। तो देखा दोस्तों आपने, बिना सिर पैर की बातें इनसे कितनी ही करवा लो, लेकिन अगर इनसे प्रूफ मांग लो ना, सबूत मांगो, तो ये किसी चीज का सबूत दे नहीं पाएंगे।
जितने पे आउट गा रहे हैं ना, आप सबूत मांग लो, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आया ही नहीं है किसी का पे आउट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वालों के जब पे आउट आते हैं ना, पूरी ये फेसबुक अपनी भर देते हैं सोशल मीडिया पे, बट अभी कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, इन जैसे लोगों के झांसे मत आइए और इन जैसे लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि इन जैसे लोगों से सावधान रहना ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छी सफलता दिला सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।